ओम शांति। 7 फरवरी 2022 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। प्रश्न, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? उत्तर, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टो मोहा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी, तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। दूसरा, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। गीत, मैं एक नन्ना सा बच्चा हूं। ओम शांति। बाप आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते हैं, कोई छोटे हैं, कोई मीडियम है, कोई बड़े हैं। बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। जो नहीं समझ सकते उनको छोटे बच्चे कहा जाता है। छोटा बच्चा तो फिर पद भी छोटा, यह तो समझने की बात है। मनुष्य पानी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं, अभी कुंभ मना संगम। संगम का मेला तो है ही एक बड़े ते बड़ा, जिसको ज्ञान सागर और ज्ञान नदी का मेला कहते हैं। पानी की नदियां तो बहुत हैं, वह भी सब सागर में ही पड़ती हैं, परंतु उनका इतना मेला नहीं होता। ब्रह्मपुत्रा नदी है बड़ी, जो कलकत्ते तरफ सागर में जाकर मिलती है। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियां हैं जो सागर में जाती हैं। नदियों से फिर तालाब आदि बनते हैं। जो बच्चे जानते हैं, ज्ञान सागर एक शिव बाबा है, यह ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी, इनका और ज्ञान सागर का मेला है। वास्तव में इनको ही सच्चा कुंभ कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला है यहाँ ज्ञान सागर के पास आना। यह ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है, पहले पहले यह निकली है, इनका है संगम। पिछाड़ी में जाकर मिले हैं तो जरूर पहले उनसे निकले हैं। तो ज्ञान सागर से पहला निकला यह ब्रह्मा, फिर सतयुग में पहले नंबर में भी यह जाते हैं। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं है, ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेला है। मनुष्य कुंभ के मेले पर जाते हैं, वहां जाकर स्नान करते हैं। नदियां तो बहुत मिलती हैं, यहां कितनी ज्ञान गंगाएं आकर मिलती हैं। बाबा ने समझाया बहुत अच्छा है। यह जो नदियों पर रोज स्नान करते रहते हैं, अब उनसे बचावे कौन? बाप कहते हैं, यह कोई ज्ञान गंगाएं नहीं है, इनमें तो कच मच सब स्नान करते हैं। जो रोज स्नान करने जाते हैं, उन्हों को समझाना चाहिए कि तुम यह करते करते कंगाल बन पड़े हो। तीर्थों पर मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, यहाँ खर्चे की तो बात नहीं। जब मैं आता हूँ तो आकर सबकी सदगति करता हूँ, नॉलेज देता हूँ। कौन सी नॉलेज? मन मनाभव। मुझे याद करो तो इस याद की योग अग्नि से
तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे। योग से ही तुम पावन बन सकते हो, न कि पानी के स्नान से। वास्तव में यह ज्ञान स्नान है, वह पानी की नदियां, यह ज्ञान नदियां, इसमें सिर्फ बाबा को याद करना है। इसको स्नान भी नहीं कहा जाए, यह तो बाप मत देते हैं। ज्ञान से सदगति होती है। तुम 21 जन्मों के लिए सदगति में जाकर फिर दुर्गति में आते हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। यह सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और यहाँ बच्चे ही आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, और नया तो कोई आ ना सके। बाप कहते हैं, मैं बच्चों के आगे ही आता हूँ। यह तो गुप्त माँ हो गई। तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कराते हो तो उनको कुछ समझाकर फिर कराना चाहिए। ऐसा न हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे। यह तो लाचारी कराना पड़ता है उठाने के लिए। कुछ समझे तो कह सके, यह संस्था बहुत अच्छी है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है, परंतु इतना कोई समझाते नहीं है, न किसकी बुद्धि में बैठता है। जिन जिन से उद्घाटन कराया है उन्होंने कोई बात समझी नहीं है, कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने जो आए उन्हों में भी किसको सेमी निश्चय कहेंगे, जो फिर आकर कुछ न कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हजारों समझने के लिए आते हैं, उनमें से 5-7 निकले हैं, तब कहा जाता है कोटों में कोई। जब कोई प्रदर्शनी मेला आदि करते हैं तो 5-6 निकल आते हैं, नहीं तो मुश्किल कभी कोई आता है। अक्सर करके पुराने ही आते रहते हैं, उसमें भी कोई को आधा निश्चय, कोई को चौथा, कोई को 10%। वास्तव में स्कूल में पूरे निश्चय बिगर तो कोई बैठ नहीं सकता। निश्चय हो तो समझे, बैरिस्टर बनना है तो इम्तिहान जरूर पास करना है। यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते हैं, समझते हैं धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा कि मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ निश्चय होने के लिए बैठते हैं, फिर चलते चलते टूट भी पड़ते हैं। 4-5 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता है तो निकल जाते हैं। यह पढ़ाई है बहुत ऊंची, और इसमें माया रावण के विघ्न पढ़ते हैं। माया समझने नहीं देती, माया बच्चों की पढ़ाई में विघ्न भी डालती है। यह स्कूल बड़ा वंडरफुल है, दिलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। वह है जड़ मंदिर, जो स्वर्ग स्थापन अर्थ होकर गए हैं। जगदम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे उन्हों के ही जड़ यादगार बनते हैं। जैसे शिवाजी आदि सब चैतन्य में थे, अब उन्हों का यादगार है। अब जगदम्बा और जगत पिता चैतन्य में आए हैं, 5,000 वर्ष के बाद फिर वही एक्ट करेंगे जो उनके चित्र निकलेंगे। पहले तो जरूर चित्र नहीं होंगे, यह सब चित्र आदि खत्म हो जाएंगे, फिर पहले चित्र बनने शुरू होंगे।
यादगार भी तो पहले पहले शिव बाबा का ही बनेगा, फिर उनके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के, फिर जो तुम अभी सेवा कर रहे हो उनके भी निकलेंगे। सब पतित पावन को याद करते हैं परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा ज्ञान यह है जिससे सद्गति मिलती है। ज्ञान तो गुरु द्वारा मिलता है। पानी की नदियां कोई गुरु थोड़ी है। यह सब अंधश्रद्धा है। ऑक्यूपेशन समझने बगैर कुछ भी पा नहीं सकते। ऐसे नहीं दर्शन करूं, यह सब फालतू है। दर्शन की कोई बात नहीं, यह तो कोई नए से मिलना पड़ता है, क्योंकि बड़े का बड़ा आवाज निकलता है, परंतु देखा गया है बड़े लोग आवाज नहीं कर सकते, गरीब कर सकते हैं। हाँ, कोई ज्ञान धन में भी साहूकार हो जाए तो आवाज कर सकते हैं। यह पानी की नदियों में तो स्नान करते ही आए हैं। इस गंगा स्नान से सद्गति नहीं मिल सकती है। पतित पावन सद्गति दाता तो एक ही बाप है। वह आकर सर्व की सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं सद्गति तो एक सेकंड में मिल सकती है। श्रीमत कहती है मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। फिर मैं हूं ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। अभी हमको वापस जाना है बाप के पास। कल्प कल्प बाप एक ही बार आकर सद्गति करते हैं। वह सर्व के सद्गति दाता है। तुम किसकी सद्गति नहीं कर सकते। तो शिव बाबा से यह सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं निकली हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा। वह फिर पानी की गंगा समझ लेते हैं। उनको समझाना चाहिए। तुम योगयुक्त होंगे तो सर्विस भी कर सकेंगे। नष्टो मोहा अच्छी योगिन जो होगी वह पूरी सर्विस कर सकेगी। पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। साधुओं आदि का भी तुम्हें उद्धार करना है। उन्हों को समझाना है सद्गति दाता एक ही है। वही कहते हैं अब तुम मेरे को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। मुक्ति तो एक सेकंड में मिल सकती है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो है ही। यह बड़ी समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं सबको एक जैसी धारणा हो सकती है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। पॉइंट्स भी धारणा हो तो नशा भी चढ़े। बाबा बहुत सहजते सहज तरीका बताते हैं, फिर भी कोई कोई लिखते हैं बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दो। तो बाबा समझ जाते हैं यह भगत बुद्धि है। भगत तो ढेर हैं और सब गाते हैं पथित पावन आवो। याद तो सब करते हैं, कहते हैं
ओ गॉड फादर, परंतु समझते नहीं हैं तो मर्सी कृपा फिर कैसे होगी। वास्तव में त्रिमूर्ति है यह, ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो यहाँ मौजूद हैं स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो दोनों भाई बहन हो गए। तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे, परंतु अभी नहीं हो, जानते नहीं हो। गाते तो हैं कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण धर्म होगा। जब सृष्टि रची जाती है तब ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं, फिर उस धर्म की स्थापना हो और अनेक अधर्मों का विनाश हो जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो, फिर बनेंगे दैवी कुमार कुमारियां, फिर कभी विष्णु कुमार, कभी क्या जन्म लेते और बनते रहते हो। अभी हो तुम ईश्वरीय कुमार, फिर दैवी कुमार। बाद में देखो नाम भी कैसे कैसे रखते हैं, बसरमल, बैगनमल आदि। सत्युग में ऐसे नाम नहीं होते। अब तुम्हारे नाम कितने रमणीक बाबा ने भेजे। तुम बच्चों को अभी बाबा के डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौदागरी भी बेहद की है। बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा 21 जन्मों के लिए। बहुत करके गरीब अबलाए ही अच्छा वर्षा पाती हैं, धनवान नहीं पाते। धनवानों में फिर भी स्त्रियां कुछ पाती हैं। पुरुषों का तो पैसे में ममत्व रहता है, मेरा मेरा करते रहते हैं। लौकिक बाप के वारिस तो बच्चे ही बनते हैं, वहां तो बाप कहते हैं। मेल चाहे फीमेल दोनों ही वर्षा पा सकते हैं। देखा जाता है माताएं जास्ती वर्षा पाती हैं, इसलिए शक्ति नाम गाया हुआ है। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती हैं, इसलिए बाप को कन्हैया भी कहा जाता है। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है। समझाने से बड़ा नशा छड़ना चाहिए। तीर्थों पर और ही जास्ती सर्विस हो सकती है। अभी तो पॉइंट्स बहुत मिली हुई हैं। सदगति तो ज्ञान सागर से ही होगी, न कि पानी से। सदगति दाता गीता का भगवान ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान धन में साहूकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। वरदान, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। मात पिता और सर्व के संबंध में आते हुए
दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं हैं, जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन: परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.